हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन जॉब्स द वन टीम। मेरा नाम है मोंटी और मैं आपके लिए आता रहता हूं फॉरेन जॉब अपडेट्स। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है कम और आप भी जानना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट करना जिससे आपको मिल पाए सबसे पहले जॉब अपडेट्स। और आप चाहते हो आपको व्हाट्सएप पर भी जॉब अपडेट्स मिले, तो यहाँ पर भाई का एक नंबर दिख रहा है, उसको अपने फोन में जाकर सेव करो, साथ ही साथ मेरे को खाई भेज दो जिससे मैं अभी आपका फोन नंबर सेव कर पाऊँ और आपको व्हाट्सएप के जॉब अपडेट्स मिलने शुरू हो जाए। तो आज की जॉब के बारे में बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आपकी आज की जो जॉब निकली, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, अपनी फेवरेट्स एयरलाइन जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन। तो बात कर लेते हैं कौन सी पोजीशन के लिए निकली है। यहाँ पर जो पोजीशन के लिए निकली है वो निकली है यहाँ पर वॉइस प्रोसेस के अंदर। इसका नाम रखा गया कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट, यानी वॉइस प्रोसेस की जॉब होने वाली है इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन की, यहाँ पर एजुकेशन की रखी गई है डिमांड, वो है सिर्फ टेंथ पास, यानी अगर आपके पास 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग है आप किसी भी कंट्री से, तो आप इस जॉब के लिए परफेक्टली एलिजिबल हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर रिक्वायरमेंट्स की। यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है, वो रखी गई है 1+, यानी आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कस्टमर से डील करने वाला, यानी कस्टमर से वॉइस प्रोसेस से रिलेटेड आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर कि आपका किस कंट्री से है, अगर आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो भी चल जाएगा। तो बात कर लेते हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस के अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स की। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रखी गई है जिसका नाम है टिकटिंग से रिलेटेड आपका एक छोटा सा कोर्स हो जो आपने कर रखा हो, जिसका नाम यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा परफेक्टली, अगर मैं पढ़ भी देता हूँ, स्टैंडर्ड फेयर्स एंड टिकटिंग कोर्स स्काईवर्ड एंड मास रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये आपने पर्टिकुलर छोटा सा कोर्स किया हुआ तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो बात कर लेते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की। यहाँ पर सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है, बट अगर मैं बता दूं यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी टैक्स फ्री होने वाली है। उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट डाल के छोड़ दिया कि योर सैलरी गोइंग टू बी अट्रैक्टिव, यानी टैक्स फ्री। तो यानी अगर आपकी सैलरी 2500 दिरहम रखते हैं, तो अगर आपके जो बैंक अकाउंट में सीधा सीधा 2500 दिरहम क्रेडिट होंगे, ना फिर उस पर कोई TDS कटेगा, ना आपको फर्दर उस पर कोई टैक्स पे करना है। लेते हैं बेनिफिट्स की। यहाँ पे ऑल स्टैंडर्ड बेनिफिट्स मिलेंगे जो एमिरेट्स के ऑल एम्प्लॉइज को मिलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको वीजा मिलने वाला है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलने वाला है, आपको एनुअल का जो एयर टिकट का कोटा होता है वो भी आपको साथ ही साथ मिलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ होटल का जो स्टेज वगैरह होती हैं वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको अकोमोडेशन जो है आपका रहने का जरिया वो भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करने वाली है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। तो अदर रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट्स और मांगी है कि आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, साथ साथ आपको इंग्लिश के अलावा एक लैंग्वेज जरूरी आनी चाहिए जो फॉरेन लैंग्वेज होने वाली है, जिसकी यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी। अगर आपकी उसमें थोड़ी बहुत बेसिक अगर नॉलेज है उस लैंग्वेज की, यानी आप थोड़ी सी फ्लुएंसी है उस लैंग्वेज में, तो आप इस जॉब के लिए परफेक्टली एलिजिबल हो। तो साथ ही साथ और थोड़ी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको एक बार वेबसाइट पर जाकर पढ़ लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर लो। मेरा नया जो पोर्टल है जॉब्स विद मोंटी मैंने तैयार कर दिया है, मैं अभी तक वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं अपने जॉब पोर्टल को तैयार करने में लगा था। जो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वो मेरे नए पोर्टल की लिंक मिलेगी, ऑलरेडी जो मैं दूसरे की वेबसाइट यूज कर रहा था वो वेबसाइट नहीं मिलेगी। अब मेरा अपना पोर्टल है jobswithmonty.com, उस पर जाकर आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो। तो बताए तो जॉब अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर आओगे, मेरी jobswithmonty.com पर आओगे, वहां पर आपको सारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपका पे पैकेज होने वाला है, साथ ही आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो आप उसको पढ़ने का लगता है कि हाँ मैं सुटेबल हूं जॉब के लिए, तो आपको नीचे आना है, वहां पर आपको एक अप्लाई नाउ का बटन देखेगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, आप जो एमिरेट्स की एयरलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट करियर पेज है उस पर आप जाकर रिडायरेक्ट हो जाओगे। जब उनकी वेबसाइट पर आ जाओगे वहां पर भी अगेन आपको एक क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो वहां पर आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर देना, नहीं है तो आप एक छोटा सा अकाउंट बना लेना जिसमें आपकी नॉर्मल डिटेल्स मांगता है, मैं क्या ही बताऊँ उसमें, आपका नाम, एड्रेस, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एटसेट्रा, वो आप अपने आप भर दोगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी। आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा जिसमें आपकी ईमेल एड्रेस और जो फोन नंबर है वो करेक्ट डालना, अपडेटेड डालना, जो आपके ऑलरेडी इन यूज हो, जिससे आपको आगे जाकर कोई कम्युनिकेशन में उनसे उनके साथ दिक्कत ना हो। तो ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा वहां पर अपना एक सीवी अपलोड कर देना, अपना सीवी अपडेटेड रखना, उसके अंदर अपनी जो की स्किल जो सेट्स वगैरह वो ऑलरेडी डाल देना, इस परफेक्टली जॉब जो इस जॉब से रिलेटेड वाले की स्किल सेट्स हैं। जैसे ही आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करके फॉर्म सबमिट कर दोगे, उसके हफ्ते से 10 दिन में आपको एक ना कोई रिवर्ट बैक आ जाएगा कि आपका रिजेक्शन हुआ है, कि आपका एक्सेप्टेंस हुआ है फर्दर लेवल के इंटरव्यू लेवल के लिए। नहीं आता है तो वो एक छोटा सा मेंशन करते थे कि हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आती है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आपका रिजेक्शन है, हो चुका है, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पूरा का पूरा जो डिस्कशन हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट जॉब के साथ। चैनल जब सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच टाटा, बाय बाय।